hello everyone welcome to the class of ugc net paper 2 and here we have subject commerce as you know we started unit 2 and in last session we completed marginal costing that is very important aspect of cost analysis and today we will see another important topic that is break even analysis ब्रेक इवन पॉइंट ब्रेक इवन एनालिसिस आप सबको पता है कि ये क्या होता है एक थोरोली नॉलेज या फिर वन लाइन नॉलेज सबको पता है कि जो ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होता है दैट इज द सिचुएशन ऑफ नो लॉस नो गेन ओके नो लॉस नो प्रॉफिट नो गेन नो लॉस सो दैट इज द सिचुएशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट ना वहां पर बिजनेस मैन को फायदा होता है ना वहां पर उसको नुकसान होता है वो एक पॉइंट ऑफ सेटाइटी होता है जहां पर उसका एक इक्विलिब्रियम आ जाता है राइट स्टूडेंट्स और कॉमर्स पेपर में आपका ब्रेक इवन एनालिसिस ब्रेक इवन पॉइंट ब्रेक इवन कैलकुलेशन यूजेस ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट या हाउ टू मेजर दिस व्हाट आर द वेज इन सब टॉपिक में से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा रिमेबर दैट स्टूडेंट्स यूजीसी नेट एग्जाम में ब्रेक इवन एनालिसिस से क्वेश्चन आता ही है बीईपी पी इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूनिट टू इन इफ वी सी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू सब्जेक्ट कॉमर्स सो लेट स्टार्ट टूडेज टॉपिक दैट अ ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है इट इज अ फिनेशियल टूल एक फिनेंशियल टूल है फॉर वट विच हेल्प टू डिटरमाइन जो हमें ये बताने में हेल्प करता है एट वट डैश कंपनी कौन सी स्टेज पर एक कंपनी अभी खड़ी है राइट अगर कंपनी का स्टेज ब्रेक से कम है या ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा है या फिर वो ब्रेक इवन पॉइंट पर खड़ी है तो हम एक एग्जैक्ट उस नॉलेज से उस ग्राफ से बता सकते हैं कि कंपनी इस वक्त किस पोजीशन पर है सो इट्स वेरी ट्रू दैट ब्रेक इवन एनालिसिस ये एक ऐसा टूल है विच हेल्प्स टू डिटरमाइन एट व्हाट स्टेज अ कंपनी या फिर कोई न्यू सर्विस या फिर कोई प्रोडक्ट मींस कोई प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया उसका भी एक सेपरेट ब्रेक इवन पॉइंट बन सकता है ब्रेक इवन एनालिसिस बन सकता है सेम वे एक न्यू सर्विस जो आपने स्टार्ट करी है उसका भी हम ग्राफ डिजाइन कर सकते हैं सो इट इज द टूल जो हमें एक कंपनी की पोजीशन के बारे में प्रोडक्ट के बारे में सर्विस के बारे में बता देगा इट विल बी प्रॉफिटेबल और नॉट वो कितनी प्रॉफिटेबल रहेगी अभी लॉस में चल रही है किस स्टेज पर है कहां तक पहुंच सकती है दैट ऑल नेक्स्ट थिंग ब्रेक इवन जो होती है ये एक ऐसी सिचुएशन है कहां पर नीदर अ मनी इज मेड नोर देयर इज लूजिंग ऑफ मनी ना तो वहां पर पैसा होता है एज आई सेड देर इज नो गेन नीदर देर इज लॉ नो लॉस सो मनी इज नॉट मेड neither there is losing of money but all costs have been covered covered सारी कॉस्ट हो जाती है फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट सारी कॉस्ट को अगर हम कवर कर ले तो उसके बाद जो एक एनालिसिस निकलता है दैट इज देयर इज नो लॉस नो प्रॉफिट आपके जेब में प्रॉफिट नहीं आएगा पर हाँ आपके पास कोई भी लोन या डेट भी नहीं रहेगा आपके सर पे ये भी नहीं रहेगा ओ आई हैव टू बियर दिस कॉस्ट आई हैव टू बियर दिस चार्जेस ऐसा भी कुछ नहीं होगा ना ही आपका ये होगा कि दिस इज माय सर प्लस दिस इज माई प्रोफिट जो मेरे पास बच गया नहीं ब्रेक इवन पॉइंट ही एक ऐसा एनालिसिस है जहां पर आप अपनी कोस्ट सारी कवर कर दोगे सारी चीजों का आपका प्राइस जो होगा प्राइस से ही सारी चीज निकल आएंगी बट देर विल बी नो प्रॉफिट अंडरस्टूड स्टूडेंट्स दैट्स वाई जनरली अ कंपनी विद डैश फिक्सड कोस्ट लो फिक्सड कोस्ट ओके कम जिस कंपनी की फिक्स कोस्ट होती है विल हैव लो ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ सेल उनकी सेल का जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो भी कम ही रहता है अगर उनकी फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कम है ये नॉलेज के लिए है बच्चे एग्जाम में क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकता है लो फिक्स्ड कॉस्ट इंप्लाइज लो ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ सेल फॉर अ कंपनी नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग वी हैव दैट वट आर दी कॉम्पोनेंट्स ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस अगर हमें ब्रेक इवन एनालिसिस को कैलकुलेट करना पड़ेगा तो हमें उसमें किन किन

डैश वेन द डिसीजन टू स्टार्ट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज टेकन सो इट अकर आपने कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट करने का अगर डिसीजन ले लिया है तो वो डिसीजन लेने के बाद से ही ये कोस्ट अकरिंग स्टार्ट हो जाती है एंड दिस कोस्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द लेवल ऑफ प्रोडक्शन जितनी आप प्रोडक्शन करते जाओगे ये उससे रिलेट करती जाएगी ये उतनी ही बढ़ती जाएगी इट इंक्लूड्स व्हाट क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो फिक्स्ड रहती हैं व्हाट आर वर थिंग्स बच्चे दैट इज लाइक इंटरेस्ट जितना आपको देना है ओके okay, टैक्सेस आपको कितने बियर करने पड़ेंगे सैलरीज आप कितनी दोगे फिक्स नेचर की और ये आपको देनी ही है मंथली वाइज सो दीज आर ओवरहेड कॉस्टेड एंड दीज बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटी जो आप स्टार्ट करने वाले हो नेक्स्ट थिंग जो जिस कोस्ट की आपको नॉलेज होनी चाहिए इट्स द वेरिएबल वेरिएस्ट वेरिएबल कोस्ट क्या होती है दिस कोस्ट इंक्रीज और डिक्रीज विद दिस कोस्ट इंक्रीज और डिक्रीज ये कोस्ट वेरी करती है एज आई सेड वेरिएबल से ही आपका वेरी चेंज करती है इंक्रीज भी हो सकती है डिक्रीज भी ऐसे ग्राफ चलता है विद डायरेक्ट रिलेशन टू द प्रोडक्शन वॉल्यूम आपकी प्रोडक्शन वॉल्यूम से रिलेटेड है ठीक है जैसे कि आपने सपोज कीजिए आज आपने फाइव पेन प्रोड्यूस किए हैं फाइव चेयर्स प्रोड्यूस करी हैं कल आप टेन चेयर्स प्रोड्यूस कर रहे हो तो वो ज्यादा उसमें कॉस्ट आएगी वाई क्योंकि रॉ मटेरियल ज्यादा लगेगा फ्यूल ज्यादा लगेगा ट्रांसपोर्टेशन में पैकेजिंग कॉस्ट ज्यादा लगेगी सो दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन वॉल्यूम हायर द वॉल्यूम हाइयर द वेरिएबल कॉस्ट राइट स्टूडेंट सो दीज आर द कॉम्पोनेट नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग अगेन

बाय पी माइनस वी सी वी सी इज हेर योर वेरिएबल कॉस्ट पी इज योर प्राइस पी अगेन आई हैव रिटर्न एवरेज प्राइस पर यूनिट तो जितना भी प्राइस है आपका अगर उसमें से आप वेरिएबल कोस्ट को डिडक्ट कर दोगे दैट मेक्स योर कॉन्ट्रीब्यूशन और कॉन्ट्रीब्यूशन को फिक्स कोस्ट से डिवाइड करोगे वो आपका है ब्रेक इवन पॉइंट वो क्वांटिटी बता देगा आपको कि इतनी क्वांटिटी आपको प्रोड्यूस करनी है इतनी क्वांटिटी के बाद आपका जो है वो फॉर्म लोज फेस करना स्टार्ट करेगी तो यहाँ पर आपका पॉइंट ऑफ सेट सेटाइटी है परफेक्ट याद रहेगा बच्चे नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इट्स अबाउट कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन भी ब्रेक इवन में आपको पता होना चाहिए जो ब्रेक इवन एनालिसिस है बच्चे दैट डील्स विद द कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन कि आपका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन किस चीज का कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट कितना कॉन्ट्रीब्यूट करता है एक्सेस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो भी इसका एक्सेस मतलब अगर सेलिंग प्राइस में से आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिडक्ट करोगे दैट इज नोन एज कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन आपका एक कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन रहा है सपोज कीजिए सेलिंग प्राइस आपका एक चेयर को सेल करके आपने किया है फिफ्टी रुपीज सेलिंग प्राइस है वेरिएबल कॉस्ट है सपोज कीजिए आपकी फो फोर्टी तो जो आपका टेन रुपीज है दैट इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन इन कैलकुलेशन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन फिक्सड कॉस्ट इज नॉट कंसिडर्ड अगेन आई एम से आपकी वेरिएबल कॉस्ट ही यूज होती है दैट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट नो फिक्सड कॉस्ट राइट सो दिस इज ऑल अबाउट ब्रेक इवन पॉइंट ब्रेक इवन एनालिसिस अनदर इंपॉर्टेंट थिंग्स लाइक हाउ टू कैलकुलेट वट इज द यूज ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट वट आर द वेज ऑफ मेजरिंग इट that we will do in next session till then keep reading keep revising and start making your note thank you